सबसे जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फर्माइट थ्योरम। तो ये भी रिमाइंडर थ्योरम का एक थ्योरम है, इसकी सहायता से भी सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। ए की पावर के एम माइनस वन अपान के का रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? एक होगा। इसकी कुछ कंडीशन है कि जो आपका के है ये आपका कोई भी नंबर हो लेकिन प्राइम नंबर हो। तो के क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। और जो ए और के हो ये आपस में को प्राइम हो। को प्राइम मतलब इनका जो एस सी एफ हो वो एक हो, इनके बीच कोई कॉमन नंबर ना हो। इनका इनको हम को प्राइम बोल लें कि ए और के को प्राइम हो, या बोल सकते हैं हम कि ए और के का एस सी एफ जो हो वो एक हो। आपको ध्यान देना है ये जो के है के को प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 32, अगर ए की वैल्यू 32 है और के की वैल्यू 31 है तो आप देखिए ये को प्राइम है। हाँ सही है, के प्राइम नंबर है, सही है। तो ये थ्योरम यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए ए की वैल्यू 31 है और के की वैल्यू 32 है, ये अब भी को प्राइम है, को प्राइम है, लेकिन जो आपका के है वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये थ्योरम नहीं लगेगा, यानी के को प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा, अभाज्य संख्या ही होना पड़ेगा, और ए और के का एस सी एफ वन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 27 की पावर 12 बटे 13 क्या रिमाइंडर बताइए। तो यहाँ पे देखिए 13 जो है प्राइम नंबर है, 27 और 13 का एस सी एफ क्या है? एक, यानी कि ये दोनों को प्राइम है। और ये देखिए पावर जो है 13 माइनस एक लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये पूरा फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ से इसका रिमाइंडर आ जाएगा एक, आसानी से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 21 भागे 5, इसका रिमाइंडर आपसे पूछ लिया। तो आप देखिए थ्योरम यहाँ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ 3 की पावर 4 ले लूँ, क्योंकि पी 5 है और 5 से पावर कम, जो 1 की पावर होती है उससे 1 कम होती है, तो यहाँ 5 है तो मैं यहाँ 4 लूँगा। और 3 की पावर 4 और 5, अब देखिए यहाँ पर 3 और 5 को प्राइम है, ये 5 है, ऊपर 5 माइनस 1 लिखा हुआ है, और 5 क्या है? प्राइम नंबर है, यानी सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पावर लगा दे रहा हूँ 5। जब इसकी पावर 5 लगा दिया तो रिमाइंडर की पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और यहाँ पे एक 3 बच गया, 5 चौक 20, यहाँ था क्या 21, तो एक 3 बच गया, यहाँ पे था पावर 21, यहाँ पे जब मैंने 3 की पावर 4 की पावर 5 किया तो 5 चौक 20 हो गया, 1 बच गया, तो 3 पावर 1 हमने अलग से लिख दिया। आप देखिए ये जो है ये पूरा फर्मेट थ्योरम का फॉर्मेट बन गया। तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, इसकी पावर है 5, तो आएगा रिमाइंडर 1 की पावर 5। और यहाँ पे 3, तो 3 आपका जब 3 में 5 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 3, तो 1 × 3 रिमाइंडर 3। तो ये आप देखिए फर्मेट थ्योरम का आप अप्लाई करना भी जान गए कि अगर डायरेक्ट फॉर्म ना दिया हो तो उस फॉर्म में बना के हम उस क्वेश्चन को आसान बना लेंगे। तो ये हो गया फर्मेट थ्योरम।